वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको समय और दूरी से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है, ए से बी तक की दूरी को यदि कोई कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 9 घंटे में तय करती हो, तो उतनी ही दूरी को वह 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कितने समय में तय करेगी। तो सबसे पहले मैंने फार्मूला बताया था, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, इन तीनों में से कोई एक वेरिएबल, कोई एक फिक्स होगा। तो इसमें से कोई एक फिक्स हो जाएगा तो उसका फार्मूला मान लीजिए, अगर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल इज इक्वल टू समय, और दूरी बटे समय इज इक्वल टू, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल नहीं, दूरी बटे समय इज इक्वल टू चाल, चाल। तो ये तीन फार्मूले मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था। लेकिन बात ये आती है, जब आपको दो चाल दी हो और दो टाइम दिया हो, दो डिस्टेंस दिया हो या दो टाइमिंग दिया हो, तब उस कंडीशन में क्या होता है, जब दूरी सेम होती है तो फार्मूला जो लगता है S1 गुणे T1 S2 गुणे T2, ये फॉर्मूला लगता है। और जब टाइम सेम होता है तो D1 अपान S1, D2 अपान S2, D1 अपान T1, D2 अपान T2, ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जब इसमें डिस्टेंस फिक्स होगा, इस फार्मूले में डिस्टेंस फिक्स होगा, इसमें टाइम फिक्स होगा और इसमें स्पीड फिक्स होगा। मतलब कि तीनों फार्मूले, दूरी चाल समय, तीनों में से कोई एक फिक्स होगा। जब फिक्स होगा तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगेगा। अगर डिस्टेंस फिक्स होगा तो फार्मूला बनेगा S1 गुणे T1 S2 गुणे T2। अगर टाइम फिक्स होगा तो D1 अपान S1 D2 अपान S2 हो जाएगा। अगर स्पीड फिक्स होगा तो D1 अपान T1 और D2 अपान T2, ये फार्मूला इन क्वेश्चन में लगेंगे और आगे के भी क्वेश्चन में यही फार्मूला लगेगा। तो बस निकला इन्हीं फार्मूले से, बस इसमें से क्या है, कोई एक वेरिएबल फिक्स होगा तो उसमें से किसी एक वेरिएबल को फिक्स रख के उसी से रिलेटेड फार्मूला बनाते हैं। इसी दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय से फार्मूला निकाल के S1 गुणे T1 S2 गुणे T2 D1 अपान S1 D2 अपान S2 D1 अपान T1 D2 अपान T2 फार्मूला निकालते हैं। तो कुछ सवाल लगाते हैं। तो पहले वाले में क्या दिया है, स्पीड जो दिया है S1 जो दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और टाइमिंग जो दिया है 9 आवर्स। उतनी ही दूरी S2 जो दिया है, स्पीड जो दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटे, और समय निकालना है, टाइम निकालना है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलकर कितना समय तय करेगी। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम होता है तो फार्मूला लगता है S1 गुणे T1 S2 गुणे T2, ये फार्मूला रखता है। S1 दिया 45, T1 दिया 9 और S2 दिया 36, T2 निकालना है। तो ये देखिए 45 और इंटू 9 मल्टीप्लाई की वैल्यू अदर साइड जाएगी, डिवाइड में ये आ गया 36। तो 9 एकम 9, 9 चौको 36। तो 45/4 सिंपल करते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो सिंपल करने पे इसका जो आंसर आएगा कटने पे
वो 11 सही 1/4 आवर्स T2 11 × 44 और 1/4 तो इनका जो आंसर आया 11 सही 1/4 घंटे आया। निकाल के दिखा देते 45 और 4 चार एकम चार और एक, तो इसको जब आप इसमें रखेंगे 11 और सही 1/4 इस तरीके से निकला है, तो काटने पे ये आ जाएगा तो 45/4 को डायरेक्ट सिंपल करने पे ये आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी कार से एक निश्चित दूरी 4 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो जो T1 दिया है वो 4 आवर्स और स्पीड जो दिया है वो 54 किलोमीटर पर आवर है। यदि यदि उस दूरी को 3 घंटे में तय करता है तो उसकी स्पीड, यदि उस दूरी को 3 घंटे में तय करना चाहता है तो उसे कार की चाल को कितना किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें पहले S2 निकालना पड़ेगा और फिर उसका इंक्रीजिंग बढ़ाना है, मतलब उसका हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि कितना वो किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ाया है चाल को, पहले से कितना किलोमीटर वो बढ़ाया है। तो फार्मूला वही लगेगा S1 × T1 S2 × T2। ये फार्मूला तब लगता है जब डिस्टेंस सेम होता है। तो S1 दिया है 54 और T1 दिया है 4, S2 निकालना है, T2 3 घंटे, 54 × 4/3 S2 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, 18 × 18 = 36, 36 × 54 = 72 आया S2। तो ये जो स्पीड आई S2 की जो स्पीड आई वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तब वो 3 घंटे में पहुँचेगा, लेकिन हमको निकालना है उस कार की चाल को कितना किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें क्या निकालना होगा, वृद्धि, हमें वृद्धि निकालना है, हमें चाल की वृद्धि, किस चाल से वृद्धि निकालना है। तो हम 72 में 54 माइनस कर देंगे तो 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 5 गया 1, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ानी पड़ेगी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो आंसर आया वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को बढ़ाना पड़ेगा, पहले से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ाना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 1440 किलोमीटर की दूरी है, D1 जो दिया है वो 1440 किलोमीटर है और T1 जो दिया वो 16 घंटे में तय करती है। उसी चाल से D2 जो दिया है 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, तो T2 निकालना है। लेकिन यहाँ पे देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक ट्रेन है 1440 किलोमीटर की दूरी पर 16 घंटे में तय करती है, लेकिन चाल वही है यानी कि स्पीड इसमें सेम है। तो जब स्पीड सेम है तो फार्मूला क्या लगेगा, तो स्पीड का D1/T1 D2/T2 ये फार्मूला होता है जब स्पीड सेम होती है। तो रखते हैं D1 1440, T1 दिया 16 घंटे और 480 और T2 दिया ये, तो काटते हैं 16 × 144
सोलह नवी 144 से कट जाएगा, 90 आ जाएगा। और 90 और ये टी टू 480 टी टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 90 टी टू और 480, तो 480 का जब डिवाइड 90 में 90 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 से कैंसिल हो गया। तो जब इसको सिंपल करेंगे 48/9 को जब सिंपल करेंगे, 9 5 45 और 3, तो इसका जो आंसर आया 5 3/9, तो 3 1 3 3 3 9, तो इसका जो फाइनल आंसर आया 5 1/3। तो इसका जो आंसर आया सेकंड वाले का 5 1/3 घंटे लगेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, एक लड़का जो है 1 घंटा 20 मिनट, इसको शॉर्टकट में 1.20 घंटे में 10 किलोमीटर पैदल चलता है, तो 6 घंटे में वह कितना दूर पैदल चला जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइमिंग जो दिया है वो 1.2 घंटे में ये जो दिया है टोटल, इसको हम ऐसे ले सकते हैं 1 घंटा + 20/60, तो ये टोटल आपका हो जाएगा 20 1 20 20 3 60, तो 1 + 1/3, इसको आप 1 1/3 आवर्स के फॉर्म में ले सकते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। और D1 जो दिया है वो 10 किलोमीटर है, और T2 जो दिया है वो 6 घंटे में कितनी दूरी पैदल चलेगा, 6 घंटे में कितना दूरी पैदल चलेगा, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये फॉर्म लगाना है। तो इसमें जो है स्पीड, इसमें पूछ रहा है स्पीड सेम है, सेम स्पीड है, 1 घंटे में एक टोटल 1.20 घंटे में 10 किलोमीटर पैदल चलता है, तो 6 घंटे में वो कितनी दूर पैदल चला जाएगा। तो फार्मूला ये लगेगा D1/T1 और D2/T2, तो D1 कितना है 10, और टाइमिंग जो दिया है आवर्स की, इसको हम बदलेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म ले लेते हैं, 3 4/3, 3 1 3 और 1 4, तो इसको 4/3 के फॉर्म में लिख लिया। और D2 दिया है 10, D2 निकालना है, और टाइमिंग जो है ये 6 है, तो 10 × 6 और 4/3 D2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो फिर 10 × 3 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 D2 आ गया, तो ये हो गया 2 × 4 2 × 5 10, 2 1 2 2 3 6, तो ये आ गया 3 3 9, 9 5 45, 45 किलोमीटर जाएगा वो जो लड़का है, 6 घंटे में 45 किलोमीटर चला जाएगा, ये आंसर आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।